ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले धरती से मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड टकराने से हुआ था। उस टक्कर से निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, जो आगे चलकर हमारा चांद बना। हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी ताकत है और धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। इसकी ग्रेविटी के प्रभाव से ही हमारी समूची सौर व्यवस्था टिकी है, जिसकी शुरुआत मरकरी यानी बुध ग्रह से होती है। बुध की धरती क्रेटरों से अटी पड़ी है और बिल्कुल हमारी चंद्रमा जैसी नजर आती है। जो शुक्र यानी वीनस, इसका आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना कुछ कुछ धरती के जैसा है। वीनस एसिड से भरे बादलों की मोटी चादर से ढका है, जिसकी वजह से इसकी सतह हमें धरती से नजर नहीं आती। इसकी सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है। और ये है हमारी सौर व्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति। अपने 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं के साथ जुपिटर अपने आप में एक छोटे सोलर सिस्टम के जैसा है। अगर सौर व्यवस्था के बाकी सारे ग्रहों को मिला लिया जाए तब भी वे भार में जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। शनि, जो अपने शाही छल्लों से घिरा है और बेहद खूबसूरत नजर आता है। ये छल्ले बर्फ के कणों से मिलकर बने हैं और शनि की सतह से ऊपर लाखों किलोमीटर तक फैले हैं। कुल 62 चंद्रमा शनि के चक्कर लगाते हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और वायुमंडल को कैद कर रखने वाला सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है। इसके आगे मौजूद हैं यूरेनस और नेपच्यून। अन्य तारों की तरह ही एक गर्म गैस का गोला है और हमारे सौर मंडल का केंद्र है, जो अन्य तारों की तुलना में एक औसत आकार का है। लेकिन हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के 80% तारों की तुलना में सूर्य का द्रव्यमान और चमक ज्यादा है। इसका एक कारण है कि सूर्य अन्य तारों की अपेक्षा में पृथ्वी से काफी करीब है। सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारी धरती से देखने पर ज्यादा बड़ा नहीं लगता क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, हमारा सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, ये सारा का सारा गैसों का बना हुआ है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24% और बाकी 2% में लोहा, निकेल, कार्बन और क्रोमियम जैसे अन्य तत्व मौजूद हैं। सूरज की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौरमंडल में विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। अगर कोई भी वस्तु सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूर्य उसे अपनी ओर खींच लेगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब हमारा सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% समाये हुए है। बाकी में केवल 0.14% में ही धरती और अन्य ग्रह आते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। यह हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर स्थित है। सूरज हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में करीब 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूरज से हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा दूर होने के बावजूद सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी पर आने में सिर्फ 8 मिनट 17 सेकंड का समय ही लगता है। सूरज की किरणों की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वही अपनी धुरी के समक्ष 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। इसी तरह सूर्य अपनी धुरी के समक्ष 25.6 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है।